डियर लर्नर्स, टुडे वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। और ये किस बारे में है? ये है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आप ऑलरेडी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे कुछ डिवीजन से। ये देखिए, हमने फर्स्ट डिवीजन जो किया है वो किया है 11 को हमने डिवाइड किया 3 से, और हमारे पास क्या आया? 3 3s are 9, रिमाइंडर 2, हमने डेसिमल लगा के 0 लगाया है, देन 3 6 are 18, ठीक है। फिर से रिमाइंडर कितना आया? 2। जो यहाँ रिमाइंडर था वही यहाँ पे आ गया है, तो इसके आगे क्या आएगा? यही रिमाइंडर आता रहेगा और हर बार 6 6 6 ही आता रहेगा, यानी कि रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट डिवीजन हम करके देखते हैं, 7 को हमने डिवाइड किया 8 से, तो आप देख सकते हैं कि क्या आया है, कुछ टाइम बाद रिमाइंडर कितना हो गया? 0। जब हम डिवाइड किया तो आखिर में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, हम उसे आगे नहीं जाते। एक और हम देखते हैं, ये डिवीजन थोड़ा सा लॉन्ग रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 50 को 7 से डिवाइड किया। 50 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो आप देखिए, रिमाइंडर 10 के बाद या 1 के बाद 3, फिर रिमाइंडर आ रहा है 2, फिर 6, फिर 4, और लास्ट में वहीं आ गया 5। हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी 5 से, यू कैन सी दिस। अब क्या आएगा इसके आगे? इसके आगे फिर से लिखा जाएगा 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5, यानी कि कुछ टाइम के बाद, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं लेकिन कुछ टाइम के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। यही जो है सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आती है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं इस टाइप से, तो हमारे पास या तो रिमाइंडर रिपीट होने लगते हैं, तो रिमाइंडर के साथ क्वेश्चन पे भी रिपीटेशन होगी, या फिर रिमाइंडर 0 आ जाता है, या फिर कुछ टाइम के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होती है। जब भी आप रेशनल फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आती है कि रेशनल नंबर्स में जो डेसिमल होता है वो या तो टर्मिनेट हो जाता है, या फिर टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट होता है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी आप रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जो डेसिमल है, आप देखिए, क्या आपको इस नंबर में कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है? यहाँ पे 2 आया, 2 के बाद 3 5, लेकिन यहाँ 2 के बाद 7 4 5, यहाँ आप देखें 2 के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है, और हो सकता है उसके बाद 5 ना आके कुछ हो रहा है। तो यहाँ से आप देखिए कि आपको कोई, ठीक है, कि आप ये कहें कि इतने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुई, तो आपको वो रिपीटिंग सीक्वेंस नहीं मिल रहा। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। वो या तो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा, ठीक है। दो ही आपके पास पॉसिबिलिटी है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब आप सोचेंगे कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो वो कंडीशन है इरेशनल नंबर्स की। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इसकी एप्लीकेशंस है, हम देखेंगे वन बाय वन अब क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है नंबर्स को। जैसे आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है 36/100, तो आप क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे और ये क्या होगा? 0.36। और आपको ये भी बताना है कि किस काइंड का जो है डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1/11, तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है सबसे पहले 1 को 11 से, और यहाँ पे जो भी क्वोशेंट आता है वो किस टाइप का होगा? वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। देखिए,
तो यहाँ आप देख सकते हैं जब हमने 11 से डिवाइड किया है 1 को तो हमारा रिजल्ट क्या रहा है, 0.09 0909। तो ये क्या आ गया, 0.09 की रिपीटेशन। इस टाइप से हम डिनोट करते हैं अगर डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, डिवाइड करके दिखाएंगे, आंसर लिखेंगे डेसिमल नंबर और उसके बाद बताएंगे दैट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आप बाकी के जो पार्ट्स हैं उन्हें इसी टाइप से कर लीजिए। डिवीजन आपको प्राइमरी क्लासेज से ही आता है अच्छे से। इस टाइप से अगर किसी का आंसर आए तो आप यहाँ जहाँ रिपीटेशन हो वहाँ पे आप ये लगाएंगे बार और नंबर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और अगर जीरो आ जाए तो आप क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आपका सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 रिपीटिंग, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो आपको बताना है कि बिना एक्चुअल में आपको डिवाइड नहीं करना 2 को 7 से 3 को 7 से, बट आपको जो 1/7 का जो डिवीजन है उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो लॉन्ग डिवीजन का जो रिजल्ट आने वाला है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, आपको बताना है 2/7 का 3/7 4/7 5/7 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। लेट्स सी इट। चलिए डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है जो हम बिना एक्चुअल डिवाइड किए उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम 1 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो 1 देखिए हमने ये डिवाइड कर लिया है और डिवाइड में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5 और एट लास्ट 1 आया है जो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में था 1। तो वैसा ही अब यहाँ पे 1 आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आपको देखनी है कि ये देखिए ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब आपने किया 1/7 तो आपका आंसर आया 0.142857, लेकिन जब आप क्या करेंगे 2/7, ये है रिपीटिंग में, जब 2/7 आप देखेंगे कि ये 2 यहाँ पे है, ठीक है, ये 14 के लिए 2 आपने यहाँ पे लिखा है जो, तो यहाँ की रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। जब आप 2/7 लिखेंगे तो दैट विल बी 0.285714 इन द रिपीटिंग मोड। अगर आप 3/7 की बात करें तो 3/7 आपके पास डिवीजन में रिमाइंडर यहाँ था, तो एक्चुअल में आप क्या करने वाले हैं, देखिए एक टाइप से आप यही करने वाले हैं ना, ठीक है, तो यही आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, 0.428571 इन द रिपीटिंग मोड। इधर बता देती हूँ 4/7 के लिए सिमिलर वे में आप सर्च कीजिए कहाँ है रिमाइंडर 4, तो रिमाइंडर 4 यहाँ है, तो ये जो 5 लिखा है 7/5 से 35 तो यहाँ से स्टार्ट होगा इसके लिए एंड इट विल बी 0.571428। अगर बात करें 5/7 तो 5/7 के लिए आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो लास्ट है यहाँ से स्टार्ट होगा 0.714285, सॉरी ये भी रिपीटिंग में था। एंड देन 6/7 तो 6 कहाँ है, 6 है यहाँ, ठीक है, तो आपने यहाँ के लिए 8 से स्टार्ट किया था सो इट विल बी 8/5/7142 द रिपीटिंग मोड। तो आपने क्या किया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन जो 1/7 था
जो 1/7 का डिवीजन था उसी की हेल्प से बिना इनका एक्चुअल डिवाइड किए 2/7, 3/7 और ये, और आपने क्या किया है आंसर लिखा है विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर्स यू गॉट ड्यूरिंग जो जो आपके रिमाइंडर आए थे उनकी हेल्प से आपने इसको सॉल्व किया है। काफी इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।